गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी लड़की। मैं हूं शनाया एंड आल्सो वेलकम बैक टू माय सीरीज दैट इज फेस्टिव स्पेशल सीरीज डे 4। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही अच्छा एक टॉपिक, और वो है, वो भी रिलेटेड मेकअप से ही है, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप किट, फेस्टिवल मेकअप किट। फेस्टिवल के टाइम पे या कभी भी गर्ल्स के पास, जो हर गर्ल के पास होना चाहिए, जो मेकअप किट, मतलब जो मेकअप प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उसके ही आज मैं एक वीडियो शेयर करूंगी कि क्या क्या होना चाहिए। तो या आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, ये है मेरा मेकअप पाउच। इसके अंदर मैं अपने मेकअप्स रखती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या होना चाहिए। तो इसको मैं अभी ओपन करती हूँ। ओपन करने से ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए, ये कुछ ऐसा सा दिखता है। और अब मैं इसके अंदर से वन बाय वन आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले जो जरूरी है चीज, वो है प्राइमर। एक प्राइमर होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक मेकअप किट में, एंड क्या एक प्राइमर मेरे पास यहाँ पे है, हुडा ब्यूटी का प्राइमर। ये ड्यूप प्राइमर है हुडा ब्यूटी का, ये रहा। उसके बाद होना है एक फाउंडेशन, बोलो या बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, कुछ भी बोलो। मैं फाउंडेशन बहुत रेयर यूज करती हूँ, मतलब बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर। मैं हमेशा बीबी क्रीम ही यूज करती हूँ। यहाँ पे भी मैं बीबी क्रीम ही रखती हूँ, क्योंकि मैं बीबी क्रीम यूज करती हूँ। और ये है आपका कलर एसेंस का बीबी क्रीम। उसके बाद होना चाहिए कंसीलर। तो यहाँ पे कंसीलर रहा, ये है मेबलिन फिट मी का कंसीलर। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर है, जो चाहिए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। वो कुछ लगाओ ना लगाओ, एक नॉर्मल बीबी क्रीम और एक कॉम्पैक्ट लगा लो, और साथ में एक लिपस्टिक लगा लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। जो लोग ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करते ना, इतना करो तो हो जाता है। तो कॉम्पैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो यहाँ पे है कॉम्पैक्ट, ये है कलर एसेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर। एंड उसके बाद बारी आती है काजल। ये काजल रहा, ये है आपका स्टेकवर की बैडास काजल। काजल भी बहुत ज्यादा जरूरी है आंख को, अपने आईज को बड़े बड़े दिखाने के लिए। या एंड उसके बाद आईलाइनर, ये लैक्मी इंस्टा लाइनर है, आप लोग देखते होंगे, मैं हमेशा यही वाला यूज करती हूँ, लैक्मी का इंस्टा लाइनर। एंड बाय द वे, एक आई शेडो पैलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा फेवरेट आई शेडो पैलेट है ये है जैकलिन हिल का पैलेट मॉर्फी वेट। इसमें इतना सुंदर सुंदर कलर्स है गाइस, बहुत ही प्रिटी है। बहुत सारे कलर्स ऑप्शंस मिल जाते हैं इस पैलेट में, बहुत फेवरेट है मेरा ये। तो एक आई शेडो पैलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आप लोग बहुत सारे आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो एक आई शेडो पैलेट होना जरूरी है। उसके साथ मेरे को जो लगता है फेस्टिव सीजन में थोड़ा सा, या फिर फेस्टिव बोलो या ब्राइडल, कुछ भी कभी ना कभी होता है, तो एक ग्लिटर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है ऐसा। ये रहा ग्लिटर, लूज ग्लिटर्स। एंड या उसके बाद आप लोग अगर क्या बोलते हैं उसको, आईब्रो सेट करना चाहते हो, तो अगर आप चाहो तो आप लोग इससे जो आई शेडो पैलेट है उससे भी अपना आईब्रो सेट कर सकते हो, नहीं तो एक आईब्रो पेंसिल भी रख सकते हो। ये रहा आईब्रो पेंसिल, ये है एनवाईबी का आईब्रो पेंसिल। एंड उसके बाद है मस्कारा। मस्कारा भी मुझे बहुत पसंद है गाइस, मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ लगवाना मस्कारा। ये है कलर एसेंस का मस्कारा। एंड या मेरे फेवरेट, ये है मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट चीज, वो है ये वाला पैलेट। ये है शुगर का 3-in-1 पैलेट गाइस। ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है, क्योंकि इसमें मिल जाता है हमको तीन चीजें। ये है आपका ब्रॉन्जर, ये है हाइलाइटर, और ये है आपका ब्लशर। और इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें जो हाइलाइटर है ना, ये मेरा फेवरेट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
है नॉट लास्ट, ये है ये है मेकअप फिक्सर। ये जरूरी नहीं है लगाना, ये एक ऑप्शनल है, अगर चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो नॉर्मली निकल सकते हैं। बट ज्यादा अच्छा होगा अगर आप मेकअप फिक्सर लगा के निकलते हो, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है आपका मेकअप। ये है NYB का मेकअप फिक्सर। एंड जो लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है लिपस्टिक्स। मेरे पास कुछ ऑप्शंस है लिपस्टिक का, मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। मेरे पास लिपस्टिक्स का ये ऑप्शंस है, मेरे को लगता है फेस्टिवल टाइम पे ये अगर कुछ कुछ ऑप्शंस आप अपने पास रखती हो ना, तो क्या हो जाता है। तो ये 5 लिपस्टिक्स है जो मुझे लगता है होना जरूरी है फेस्टिव टाइम पे, क्योंकि चेंज करते रहना चाहिए। तो सबसे पहला वाला जो है वो है रेड कलर, एंड दूसरा वाला जो है वो है थोड़ा डार्क में आता है, ब्राउनिश काइंड ऑफ कलर है ये। जो थर्ड में आता है ये न्यूड कलर है, ये पिंक में एक न्यूड कलर है गाइस। एंड जो फोर्थ वन है वो है पिंक में, ये वाला मेरा बहुत फेवरेट एक कलर है, ये रहा ये वाला पिंक, ये बहुत क्यूट, बहुत फेवरेट है मेरा ये। एंड जो फिफ्थ है वो भी एक न्यूड कलर है, ये ब्राउन में एक न्यूड कलर है। या तो ये सबका मैं स्वच करके दिखाती हूँ आप लोगों को। एंड आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड नीचे कमेंट करना मुझे कि आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा, एंड आप लोगों के पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। एंड या मैं बहुत जल्दी आऊंगी आप लोगों के पास और एक वीडियो लेके, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, आप लोग मेरे शेयर्स भी कर दीजिए, ठीक है, बाय।